दोस्तों अगर आप भी इंडियन नेवी अग्निवीर AMRSSR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है रक्षक ऐप पर। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेक कीजिए। यहां पर सबसे पहले जाकर आप साइन अप कीजिए, साइन अप करने के बाद डेमो मॉक लगाइए और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो आप जरूर परचेज कीजिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडियन नेवी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई है और ये बहुत ही बेस्ट लेवल की टेस्ट सीरीज है। यहां पर अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप 349 रुपीज में ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा कोड ABSTUDY50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 175 रुपीज में परचेज कर पाएंगे। तो इंडियन नेवी AMRSSR को अगर क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन के द्वारा डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज का डेमो लगाइए, अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप ले लेते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, ताकि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पर महा PDF प्रोवाइड कर सकूं फ्री में। जो भी ये टेस्ट सीरीज प्रोसेस करेंगे उन सभी को फ्री में ये महा PDF दी जाएगी एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले। जाइए फायदा उठाइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। सामान्य जागरूकता GK मॉक टेस्ट नंबर 2 अग्निवीर नेवी AMRSSR स्पेशल लेकर आ गया हूं। इसमें मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं GK के। एक और चीज, अगर आप इन सीरीज को कर लेते हो, यानी जो भी मॉक इसमें मैं कराऊंगा उन्हें कर लेते हो, तो फिर आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। आप आराम से 25 out of 25 कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 25 है, 25 क्वेश्चंस मैंने ऐड करा है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग मैंने रखी है एग्जामिनेशन की तरह। आप जरूर ऑनेस्टी से बता देना आपके कितने नंबर बने इस टेस्ट के अंदर अच्छे से लगाने के बाद। उसके बाद आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पर सारी PDF इंपॉर्टेंट जो होगी और सारी अपडेट्स जो होंगी वहां पर मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इसका पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना इसे देखने के बाद। इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हेन इज वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। एक और सवाल इससे रिलेटेड आ जाता है, वो है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी तरह ही 10 अक्टूबर को हमारे यहां राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द सती प्रथा बैंड एंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल? सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया? 1853 लॉर्ड डलहौजी, 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1793 लॉर्ड कार्नवालिस और 1800 लॉर्ड वेलेजली। किसके द्वारा लगाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, और इनका सहयोग जिन्होंने किया था उनका नाम था राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता, पिता या जनक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है, वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? 1780, 1770, 1773 और 1775। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। याद रखना 1773 से 85 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। और अगर पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप याद करके रख लेना, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885, 1887, 1880 और 1882 में। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1885, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को, याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी आप लोग याद रखना कि इसके पहले प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष जो थे रमेश चंद्र बनर्जी थे,
और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी, ये भी आप लोग याद करके रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु फाउंडेड द आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना तब बॉम्बे बोला जाता था, मुंबई को, बॉम्बे में की गई थी। और कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ये जो की गई थी, ये की गई थी 1828 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज द दादा साहब फाल्के अवार्ड स्टार्टेड? 1970 में, 1975 में, 1969 में और 1961 में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इसमें पहले रिसिपिएंट जो थी, यानी कि फर्स्ट जिन्हें मिला था, उनका नाम था देविका रानी। क्या नाम था उनका? देविका रानी जी थी, इनको दिया गया था। और कब की दिया गया था? 1970 में। और आखिरी रिसिपिएंट की बात करें, मतलब अभी जो फिलहाल है 52nd, वो दिया गया किसको? याद रख लेना आप लोग, आशा पारेख जी को। किसे? आशा पारेख जी, ये भी अभिनेत्री हैं, इन्हें दिया गया, ये 52nd हुआ, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड? WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? वॉशिंगटन अमेरिका, टोक्यो जापान, जिनेवा स्विट्जरलैंड और लंदन यूके। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WHO जो है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म जो हो जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में नेवी के द्वारा, ये ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान से याद रख लेना, क्या पता पूछ लिया जाए, 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला जाता है, ये भी आप लोग याद करके रख लेना, ठीक है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है टेड्रोस एडहनॉम है, इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, Who is the author of आईने अकबरी? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, दारा सिको और टोडरमल। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, अबुल फजल जो है ये ऑथर है आईने अकबरी के। क्वेश्चन नंबर 9, विद विच गेम इज द होपमैन कप एसोसिएटेड? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज देशबंधु? निम्न में से किसे देशबंधु कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चितरंजन दास। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चितरंजन दास जी को बोला जाता है। इन्होंने 1 जनवरी 1923 को एक पार्टी बनाई जो कि स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर सिटी? अमृतसर शहर की नींव किसने रखी? गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु रामदास जी ने यह करा था। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि इन्होंने जो करा था, ये 1574 में इन्होंने स्थापित करा था। ये भी आप याद रखना कि गुरु अर्जन देव जी जो थे, ये 5th गुरु थे, गुरु रामदास जी 4th गुरु थे, गुरु नानक 1st गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें और आखिरी गुरु थे। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 1901, 1907, 1913 और 1916। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। ये सूरत अधिवेशन था, ये भी आप याद रखिएगा, और सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था, इसे जो है सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना आरंभ करा?
लोहा, सोना, चांदी और तांबा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ह्यूमंस फर्स्ट स्टार्ट यूजिंग कॉपर। क्वेश्चन नंबर 14, विच डेटी हैज बीन कॉल्ड पुरंदर इन द ऋग्वैदिक पीरियड, यानी ऋग्वेद काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया, वरुण, अग्नि, इंद्र और सूर्य। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इंद्र देवता को पुरंदर के नाम से जाना गया, किसके अंदर, ऋग्वैदिक काल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ईयर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई, 1926, 1927, 1928 और 1929। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 1927 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इंडियन नेवी के अंदर, और ये थोड़े फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ऑल इंडिया रेडियो इसे नाम दे दिया गया 1937 में, और फिर आगे बढ़कर 1957 में इसका नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया गया। आपने आकाशवाणी तो जरूर ही सुना होगा। तो इस तरीके से ये चीजें हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1600 किलोमीटर की तटरेखा है गुजरात भारत का प्रमुख, या ये बोले कि 60% नमक उत्पादित करता है, 60 से 75% के बीच में, और 24% भारत की तटरेखा गुजरात में है। गोवा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है, ये भी आप लोग याद करके रख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, डॉस का पुण्य रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है डॉस को, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, विच इज द हाइएस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, भांखड़ा बांध और गांधी सागर बांध। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, टिहरी बांध जो है ये 261 मीटर ऊंचा है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये कहां पर है, यूके में, एक यूके अपने पास भी है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध, ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विचार को किस संविधान से लिया था, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड कनाडा, रशिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरलैंड में, आयरलैंड के संविधान से, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के विचार को लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, Who is called the Flying Sikh of India? कपिल देव, मोहिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह और मिल्खा सिंह। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वॉज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मद्रास, जिसे अभी हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां पर सबसे पहले नगर निगम स्थापित करा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ऑस्कर अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड, साहित्य, राजनीति, खेल और फिल्म। इसका सही जवाब डी हो जाएगा ऑप्शन, फिल्म से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी, तो यह भी पूछा जाए तो इसका भी जवाब दे देना कि 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा और पंजाब। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग राज्य, तो ये तो ठीक है, स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन, लेकिन ऐसा लिखा आएगा उद्यान की जगह, ऐसा साफ साफ ये लिख देंगे कि कौन सा राज्य भारत के मसालों के बगीचों के नाम से या मसालों के बगीचा के नाम से जाना जाता है, तो उसका भी सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा, यानी केरला जो है भारत के मसालों के बगीचा के नाम से जाना जाता है, यानी यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में मसाले होते हैं, कहां पे, केरला में। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है, मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, वहां पर यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है, याद रखना। मॉस्को कैपिटल है रशिया की, लंदन जो कैपिटल है ये यूनाइटेड किंगडम की, और न्यूयॉर्क कैपिटल नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, कहां की,
यूएसए की बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। ये आप लोग याद रखना, यूएसए की कैपिटल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। एसएमएस का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएमएस? स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के नाम से यह जाना जाता है, जिसे हम शॉर्ट में एसएमएस बोलते हैं। तो याद कर लेना, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर एग्जामिनेशन। 25 मार्क्स का आता है एएमआर में जीके, और लगभग 20 मार्क्स की आती है एसएसआर में भी। तो ये अगर आपको कवर अप करना है, ये फुल मार्क्स गेन करने हैं, इसमें 25 और इसमें 20, तो आपको इन जीके क्वेश्चंस को फॉलो करते रहना होगा। लास्ट में एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के साथ, उस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लेना, बस हो जाएगा आपका काम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना, ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये देखिए, इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है, स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग ग्रुप, स्टडी विद अभिषेक मेन चैनल, तीनों को जाकर अभी फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन कर लेना है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।